सुबह तो हो चुकी है और अभी मुझे नहा धो के निकलना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करूंगी, गंदी लगी हूँ मैं। तो पहले ही चलते हैं अपने काम की जगह, उधर जाके ही बाकी का काम देखेंगे। बट उससे पहले होला टीएस गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग? मैं अरिका आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ GTA 5। एकदम सुबह सुबह गणेश जी के सामने माथा टेक के हम तो निकल चुके थे, बट सबसे आश्चर्य बात है कि यहाँ बाहर के देशों में भी गणेश जी का पिक्चर लगा हुआ है, मूर्ति आई मीन। तो जो भी, तो अभी रास्ते में ना एक गाड़ी, एक पागल पता नहीं कौन सा ड्राइवर था, वो आके मुझे पीछे से टोक देता है, जिस कारण गाड़ी का हालत पीछे से देख ही पा रही हूँ। बाकी हम पहुंच ही गए हैं, मैं उल्टा रास्ता आ गई थी तो यही कहीं पे। हाँ चलो, फाइनली मैं आ चुकी हूँ, देखो सर्विसिंग सेंटर पे। इधर ही मेरा काम की लोकेशन है, इधर पे मतलब लक्सरीनेस देख रहे हो, मतलब एक काम करती हूँ मैं इधर पे, एक मैकेनिक हूँ, और इधर पे मुझे एक पर्सनल कार भी दिया गया हुआ है। तो अभी फटाफट से इधर ही हम गाड़ी को छोड़ते हैं और अंदर चलते हैं। जाने के बाद आगे मुझे क्या काम दिया जाएगा उसके बारे में भी बात कर लेंगे। उससे पहले अंदर तो मैं आ चुकी हूँ और वो तो गाड़ी भी शायद सर्विसिंग होके चला भी गया है। लास्ट डे को मैंने जो OB9F कार्बियो को लाया था वो शायद अभी सर्विसिंग के लिए चला गया है। बट बाकी ये मुझे देख के इतना, आई मीन साइमन मुझे देख के इतना खुश क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। ओ माय गॉड, इधर पे मैं अभी एम्प्लॉई ऑफ द मंथ बनी हूँ, बट कैसे? और ना ही मुझे एम्प्लॉई ऑफ द मंथ बनना है, तो इधर पे फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसे ये सब काम नहीं करना, ना ही उसे एम्प्लॉई ऑफ द मंथ बनने पे कोई खुशी है। अभी उसका नेफ्यू भी आ चुका है, पता नहीं ये तो मेरे से बहुत पहले से काम कर रहा है। अभी साइमन उसको जैसे ही दिखाता है इसका मुंह देखो गाइस, मतलब ये पागल हो गया भाई, कैसे हो सकता है कि इसने मेरे को एम्प्लॉई ऑफ द मंथ बना दिया। तो इधर पे लैमर हो चुका है खतरनाक वाला गुस्सा और सोच रहा है कि मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा, तूने इसको बना दिया मेरे जगह। तो ये नाराज होके बहुत ज्यादा बहस करने इधर पे लग जाता है। तो छोड़ो ये सब बातें को, अभी जो काम, ओके फाइन, तो बहुत सारे भसा तो उधर पे मजा था, अभी हम दोनों जा रहे हैं वेसुबुसी बीच पे। तो अभी वेसुबुसी बीच पे हम लोगों को क्यों जाना है वो तो बताएंगे, बट उससे पहले लैमर का गुस्सा भी ठंडा होना बहुत जरूरी है। ये गुस्सा होकर गाड़ी के अंदर देखो पहले ही बैठ गया है, ये बोल रहा है मेरे को ड्राइविंग करने के लिए, पता नहीं इसका गुस्सा कब ठंडा होगा। और चलो चलते हैं अभी और बताते हैं रास्ते पे जाते जाते कि एक्चुअली में अभी साइमन हम दोनों को क्या काम करने के लिए बोला है। क्योंकि साइमन अभी फ्रैंक हम दोनों को जैसे कि बोला है कि वैसे भी बीच के इस्तेबान जिमेनेस बोल के एक लड़का है जिसने बाइक को ले तो गया है बट उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया है, जिस कारण अभी साइमन चाहता है कि हम दोनों अभी उधर जाए। जाने के बाद उस इस्तेबान, आई मीन उस इस्तेबान जिमेनेस बोल के जो लड़का है, तो उससे हम लोग उस बाइक को चुरा के लेके साइमन को वापस दे दे। तो समझ गए होगे कि क्या बात हो सकती है। तो चलो अभी हम दोनों लोकेशन पे तो पहुंच गए, बस मेरा गाड़ी ना चोरी हो जाए, इधर पे रख के जाना पड़ेगा। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है मेगेलन एवेन्यू बोल के इस बिल्डिंग का नाम है। तो इधर पे जाने के लिए हम लोगों को बोला था साइमन ने, तो अभी हम दोनों आ तो गए है, बट छुप के घुसना होगा क्योंकि सामने वाले गेट से तो घुसा नहीं हम लोग, तो इधर से कूद के घुसना होगा, ठीक है ना। तो चलो फाइनली हम तो इधर पे कूद के घुस चुके, सामने आई थिंक सिक्योरिटी गार्ड है, भाई भाग जाए क्या हम? नहीं नहीं नहीं, चलते सामने और फोन को चेक कर लेते। भाई 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 लैमर इसको घूसा मार चुका है और इतना ज्यादा ड्रंक है कि ये उठ भी नहीं पा रहा है बेचारा। थोड़ा सा भाई इधर का जो बिल्डिंग का लुक बिगड़ा है, ये लोग निकल रहे हैं अभी इधर से, तो थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा सिविलाइज्ड बन के इधर से जाना पड़ेगा। देखो अच्छा खासा कार भी रखा हुआ है इधर पे, और इतना बड़ा बिल्डिंग तो नहीं है बट एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इधर पे बाहर का लोग कोई घुस नहीं पाता है, हम लोग तो छुप के घुस चुके। बाकी इधर पे ये देखो ये कार अच्छा खासा खड़ा तो है बट इसको हम नहीं ले सकते, अगर हॉर्न बज जाएगा तो हम इधर पे बहुत खतरनाक वाले फंसने वाले। इधर पे बिल्ली कहाँ जा रही है, रुको तो जरा इस बिल्ली को तरफ परेशान कर। ओ भाई भाई एक लाता मारने से ये तो बेचारा तो अनकॉन्शियस हो चुकी है अभी इधर। तो अभी इधर पे तीन चार गैरेज है, तो सारे गैरेज पे, तो इधर पे नो पार्किंग प्राइवेट क्या लिखा है, प्राइवेट कीप क्लियर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो जो भी हो इसके अंदर तो वो वाला बाइक आई थिंक नहीं है। तो भाई
तू खड़ा रहे, मेरा मुंह देखते रहे, तू मेरे को काम करवा रहा है और खुद मतलब इतना गुस्सा है भाई, मेरे को एम्प्लॉय अपने मंद बना दिया तो ये इतना गुस्सा है कि एक चेक भी नहीं कर रहा है भाई। गुस्सा मेरे को भी आ रही है अभी, सच बता रही हूँ तो वो दो गैरेज पे तो कुछ भी नहीं मिलता है, लास्ट एक गैरेज पे भी चेक कर ही लेते हैं भाई साहब, इधर पे भी तो कुछ नहीं है, क्या फालतू सा हम लोग इधर पे। ओह शिट, तो इधर पे जो प्रॉब्लम हो जाती है अभी, बैगस ने हम दोनों को यहाँ पे देख लिया, लेमर क्यों गन निकली, ओह शिट, इधर पे लेमर उसको मार देता है भाई साहब, खतरनाक वाला भाई, और मेरे लिए गन छोड़ देता है, अभी मेरे को भी इधर पे मारना पड़ेगा क्या लोगों को, शिट यार इधर पे फिर से एक बार खून खराब करना पड़ेगा, इधर पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, इसको तो मैंने मार दिया इधर पे। चलो अभी सामने देखो बहुत सारे बंदे, थोड़ा सा मुझे सहन रख रख के मारना पड़ेगा इधर पे, खतरनाक वाला भाई साहब, भाई भाई भाई, ओ भाई शिट यार, ये लोग भी अच्छा खासा मतलब खतरनाक वाला इधर पे भसर मच चुका है, मतलब सारे इधर पे आवाज से सारे जितने भी इन लोगों का गैंग बैंग का इंसान है सारे निकल चुका है, और हम लोगों को इधर पे सबको मारना पड़ेगा, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी। लेमर उधर पे दौड़ रहा है और सामने आई थिंक ऊपर पे भी बंदा चढ़ के बैठा हुआ है, हाँ ऊपर से कोई तो मार रहा है लेमर को, तो मैं इधर से कोशिश करती हूँ कि इसको नॉकडाउन देने की, तो लग नहीं रही है, भाई भाई भाई, चलो फाइनली, चलो ये तो ये भी गया, अभी सामने आई थिंक रास्ता क्लियर है, पता नहीं अभी तक, इधर पे तो सारी को हम दोनों ने मार दिया, कितना खून खराबा करना पड़े, ओ भाई 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 भाई, इधर पे फिर से बंदा आ गया, छुप जाती हूँ मैं फटाफट से, ओ भाई भाई भाई, ये भाई ये सिन्हा टान के क्यों मार रहा है भाई, चलो 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 भाई मारो इसको, चलो खत्म खत्म खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म है, अभी सामने की तरफ और कौन मार रहा है भाई, ऊपर से कोई तो मार रहा है मुझे इधर, ये देखो इसको मैंने, चलो फाइनली इधर पे मार तो दिया, बट ये वाला काल है कि ये लोग भाग रहा है और इधर पे मैं इधर पे डूब जाती हूँ भाई साहब, पूरा मेरा क्लोज है तो इसको भी मैंने मार दिया, अभी देखो वो बंदा भी खतरनाक वाला उधर से ट्राई किया जा रहा है, तो इसको भी मैंने नॉकडाउन मार दिया, अभी जो करना है क्या इधर, और कौन मार, ओ भाई ऊपर क्या कर रहे हो भाई चकले इंसान, इधर नीचे आ जाओ भाई, तो चलो गाइस फाइनली ऊपर वाला बंदा को मैं मार नहीं पा रही हूँ, तो इसको भी मारना पड़ेगा, एक सेकंड इसको भाई, इसको मार नहीं पा रही यार, इधर से मैं लगा नहीं पा रही हूँ सही से, और ये हम लोगों को मार ही जा रहा है, एक सेकंड इसको हेडशॉट देना पड़ेगा, चलो ये अभी खत्म है इधर पे, और कोई बचा तो नहीं है ना, कुछ समझ में नहीं आ रही, कोई तो मार रहा है, सच में समझ में नहीं आ रही है, और कोई है भी क्या नहीं वो भी पता नहीं, बाकी ओ ओ ओ ओ ओ पता था मुझे, ये छुप के बैठा हुआ था, तो इसको मारना पड़ेगा, रुको इसको निकालने देते, चल 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 चल, हो गया इधर पे भी हमने इसको मार दिया, इतना भाई साहब, ए भाई इतना लोग इसने मतलब इधर पे बिठा के रखा हुआ है, एक बाइक लेने के लिए भाई कितना सारा खून करना पड़ा मुझे इधर पे, और बाकी मेरा कार तो उधर पे नहीं दिख रही है, पता नहीं कार कैसे इधर पे दूसरा कार, चलो कोई नहीं, जो भी कार है उसको लेके इधर से हमको जाना पड़ेगा, तो अभी इधर से फटाफट से जो भी कार मिलता है उसको लेके निकाल दे, कार तो वही सही है, तो अभी इसको लेके हम फटाफट से इधर से निकलते हैं, बाइक का एग्जॉस्ट तो काफी सही है यार, बट चलाऊंगी कैसे वो पता नहीं, इसका स्पीड भी काफी सही है, तो फटाफट इसको पकड़ते हैं, तो ये जो जिमी जिमनेस क्या नाम है इसका, इसको हमको पकड़ना पड़ेगा, तो ये तो भाग चुका है अभी, अभी इसके पीछे हमको गाड़ी तो उड़ाना पड़ेगा भाई, बाइक लेके ये भाग रहा है, और मुझे इधर पे इसके नहीं 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 भाई, इधर पे इतना ट्रैफिक है कि भाई चलाऊंगी तो कैसे चलाऊंगी, उल्टा रास्ता से चलाऊं, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, तो इधर से हम चले तो आए हैं, तो भाई कितना सामने चला गया, मुझे नहीं दिख रही अभी तक कहाँ चला गया भाई, वो तो सामने जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, इसको धक्का लगाना है मेरे को भाई, भाई 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 इधर पे भाई 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 सा, इसको मारने के लिए मुझे नहीं पता कि इतना इसके पीछे भाई 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 लेफ्ट से कहाँ निकल रहा है भाई, इतना गली पतली गली से निकलेगी तो मेरा गाड़ी ना इधर पे अटक जाए, मुझे उसका भी बहुत ज़्यादा डर है, तो इसको मैं बहुत
कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं रोक पाऊँ, बट फिर से इसने एक पतली गली को पकड़ लिया। अभी इसके अंदर से मुझे फिर से जाना पड़ेगा। भाई कितना घुमा रहा है यार ये लड़का मेरे को। अब भाई भाई तो इधर पे उसको धक्का लगाने के चक्कर में मैं तो धक्का खा चुकी हूँ। अभी पता नहीं कितने देर में मैं इसको पकड़ पाऊंगी। बाकी मैं तो कोशिश की ही जा रही हूँ कि मैं इसको पकड़ लूँ, बट देखते मैं इसको भी धक्का लगा चुका हूँ। अच्छा इंसान है यार ये लोग, मेरे को कुछ नहीं बोला। बाकी मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। और इसको पकड़ कहाँ चला गया भाई? अच्छा सीधा ही चला गया ना, तो सीधा चला गया ये। अभी वो देखो वो जा रहा है वो। ओ भाई 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 ट्रक है, ट्रक है भाई 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 भाई, लग मत जाना भाई इधर पे, मैं मरना नहीं चाहती हूँ इसके चक्कर में। तो इसको मैं भाई साहब फिर से निकल गया ये। तो चलो फिर से और एक बार इसके पीछे, कितना दौड़ाएगा भाई इसके पीछे, दौड़ते दौड़ते हम ना पागल हो जाए अभी। तो ये भाई 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 प्लीज रुक जा भाई, गाड़ी के चक्कर में, एक गाड़ी के चक्कर में इसने कितने बंदों का हत्या करवा दिया हम लोगों से। और ऊपर से देखो मतलब लगभग लैमर तो कुछ ही नहीं मारा, मैंने ही सभी को मारा था उधर पे। और पता नहीं साइमन कैसे कैसे काम करवा रहा है हम दोनों से। भाई मता रुक जा। तो अभी इधर से तो हम निकल चुके हैं। अभी रुको 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 भाई, थोड़ा सा देर होगी भाई मेरे को पता नहीं। भाई रुक जा, मैं तब से तेरे पीछे दौड़ा रही हूँ, तू मेरे को इतना ज्यादा भगा रहा है भाई, मैं पागल हो जाऊंगा भाई। रुक जा भाई प्लीज रुक जा भाई, गाड़ी दे दे मैं तेरे को छोड़ दूंगी भाई, मैं नहीं मारूंगी तेरे को, प्लीज रुक जा भाई। इतना मुझे परेशान कर दे रहा है कि क्या ही बताए। तो अभी इसको भाई देखो कितना मतलब क्या ही गाड़ी चला रहा है यार। ऐसे मुझे कोई धक्का मारता तो मैं तो अब तक गिर ही चुकी होती, बट ये तो गिर ही नहीं रहा है तब से। देखो भाई क्या मैं कर पाऊंगी, मुझे तो नहीं लग रही है कि इधर पे मैं इसको मार पाऊंगी यार। भाई देखो देखो कैसे मतलब गाड़ी उसका उछल रही है, बाइक उसका उछल गई लिटरली, बट ये नहीं गिरा। क्या ये बाइक है क्या वो और कुछ है? भाई मेरे को भी ऐसा बाइक चाहिए लाइफ में चलाने के लिए। तो इसको मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पता नहीं कब तक मैं इसको उतार पाऊँ। तो ट्राई करती हूँ फिर से एक बार धक्का लगाने की, बट ये मुझे बहुत भगा रही है। इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे इसको उतारने के लिए, बट इस बार मैं इसके पीछे पीछे रहती हूँ। जैसे ये स्पीड पकड़ेगा थोड़ा बहुत मैं इसको धक्का लगाने वाली हूँ, या तो फिर ड्रिफ्ट करके इसको मैं अटक देने वाली हूँ, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। चलो भाई साहब फाइनली फाइनली इसको मैंने उतार तो दिया है। अभी भाई मैं इधर से क्यों जा रही यार, मैं मेरे माता ही खराब है यार। तो चलो इसने मुझे बहुत परेशान किया, इसको तो मैं चलो मर गया ना, तू रुक जा। ऐसे तू मरा तो मुझे शांति नहीं मिल रही, तेरे को मैं पूरा खत्म करके ही जाऊंगी। तो इसको मैंने दो तीन गोली तो लगा दिया अभी इधर पे। और लैमर इधर पे जो गाड़ी था हम लोगों के पास उसको लेके निकल गया है, और मुझे इस बाइक को लेके पहुंचना है लैमर के पास, उसके बाद मेरा काम खत्म है। बट उससे पहले लैमर से बात भी कर लेना है मुझे कि इसके बाद वो क्या बोले, क्योंकि इधर पे तो बहुत सारे मर्डर वगैरह हो चुका है हम दोनों से। और ऊपर से ये बंदा जिसके पास से हम लोग को ये गाड़ी को लेना था वो भी मर चुका है। अभी एक बार हम लोकेशन पे पहुंचते पहले, फिर जाके लैमर से बात करने के बाद ही पता चलेगा हमको कि उसके बाद क्या करना है। तो चलो लैमर अभी इधर पे इस कार वॉश पे है। तो अभी देखो देखो राइट में मेरा गाड़ी को भी वो खड़ा करके रखे, खुद पता नहीं क्या कर रहा है। तो अभी मैं लैमर से एक बार बात कर लेती हूँ। तो अभी मुझे यहाँ लैमर बोलकर जाता है वो इस बाइक को साइमन को नहीं लौटाएगा, वो इस बाइक को उसके साथ ही रखेगा। क्यों ऐसा क्यों भाई? और मैं साइमन के जाकर ये बताऊं कि हम लोगों ने बाइक को रिकवर कर ही नहीं पाया, यानी कि झूठ बोलना होगा मुझे अभी साइमन को। पता नहीं क्या होने वाली है इसके बाद और सिचुएशन क्या होगी वो भी मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि साइमन को झूठ बोलना भी सही बात होगी कि नहीं वो भी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी अभी मैं ज्वाइन किया हूँ काम पे, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बना हूँ, और लैमर मुझे ऐसे काम करने ऐसे झूठ बोले बोल रहा है। ऊपर से लैमर ने बाइक को भी लेके गया, पता नहीं वो साइमन के नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना चाह रहा है या फिर मुझे खराब करना चाह रहा है साइमन के सामने, कुछ नहीं पता। मैं जाऊंगी नेक्स्ट साइमन के पास, सारी चीज़ों को बताऊंगी, झूठी बोलना पड़ेगा शायद मुझे, बट वो सारी चीज़ें क्या होगा वो तो नहीं पता, बट देखती हूँ वो सारी चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड पे। आज फिर जाती हूँ, मिलती हूँ और देखती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो। और तब तक के लिए आप सभी लोग बहुत खुश रहिएगा, अच्छी रहिएगा, टाटा एंड टेक केयर।